आज एनडीए का बैठक रखी गई। देखिए आज एनडीए का बैठक का मुख्य उद्देश्य था, एनडीए ने जो यहाँ पर अपना उम्मीदवार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दिया है डॉक्टर गुलाब चंद्र गोस्वामी के नाम पर, 4 तारीख को उनका नामांकन होना है। नामांकन कैसे एक विशाल रूप में दिखे, इसलिए हम लोगों ने कटिहार विधानसभा स्तर का एनडीए गठबंधन दल के सभी साथी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सभी पंचायतों के अध्यक्ष, नगर में सभी नगर के अध्यक्ष, सभी वार्ड के अध्यक्षगण और सभी प्रकोष्ठ के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और नगर के जितने भी एनडीए के साथी हैं, वरिष्ठ नेता, चाहे वो एमएलए तारकिशोर प्रसाद हो या माननीय पूर्व सांसद निखिल बाबू हो, ऐसे तमाम लोग आज हम लोगों की इस बैठक में उपस्थित हुए। इसका मूल उद्देश्य था कि 4 तारीख को जो हम लोग नामांकन करेंगे राजेंद्र स्टेडियम से 11 बजे दिन से, कैसे लोग आवे, क्या विधि व्यवस्था होगा, लोग कैसे यहाँ आएंगे, क्या उनको व्यवस्था चाहिए, इस पर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत किया और सबों ने कहा कि हम लोग एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में काम करेंगे और जो भी एनडीए नेतृत्व के द्वारा प्रखंडों में, पंचायतों में व्यवस्था दिया जाएगा, हम लोग उसको संतुष्ट होकर के नगर पालिका मैदान में लेकर काम। 5 साल के दरमियान नीतीश कुमार जी के द्वारा क्या काज हुआ अब तक? देखिए 2005 से माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष, बिहार में इतना काम कर दिए हैं, सड़क का जाल बिछा दिए हैं, बिजली हर घर बिजली पहुंचाए, हर घर नल का जल पहुंचाए हैं, पुल पुलिया देख लीजिए, कम से कम जो हजारों पुल पुलिया बनाए, महासेतु, गंगा हो, कोसी हो, कमला बलान हो, बहुत सारे काम किए हैं। इधर 2 महीना पहले जो 2.5 लाख शिक्षक को नौकरी दिए हैं, डाटा ऑपरेटर दिए, नर्स का बहाली किए हैं, जीविका दीदी है, बहुत सारे काम किए हैं, उनके बारे में बताना जो है लगता है कि 2-2.5 घंटा तक हम बताते रह जाएंगे। मतलब इतना लंबा काम किए, इतना लंबा काम किए। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर के आपको? इस बार हम लोग बिहार में 40 में 40 जीतेंगे और पूरा देश में 400+ जीतेंगे हम लोग। परिचय दीजिए सर। सज्जन कुमार, सेक्टर अध्यक्ष, पश्चिमी। धन्यवाद। नीतीश कुमार के राज में अभी तक क्या क्या काम हुआ है? काम तो आप तो देख ही रहे, जनता सब देख ही रहे, अभी 2.5 लाख शिक्षक का नियुक्ति द्वारा नीतीश कुमार की और 94 लाख बेरोजगार को, हर गरीब परिवार को, चाहे कोई भी। रोडो और पुल का भी शिलान्यास किया गया है? शिलान्यास किया गया, मतलब समय नहीं, आचार संहिता लग गया, इसी कारण से 42 गो हम लोग शिलान्यास किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसका किया गया और यही सब है जो समय नहीं था हम लोग पास, कितना योजना आ गया, पैसा भी उसका आ गया, इन्हें की शिलान्यास काम भी पूरा होगा, काम भी पूरा हो रहा होगा। क्या लगता है आपको चुनाव में? चुनाव में हम लोग इस बार 40 से 40 सीट ला रहे हैं बिहार से। परिचय देंगे? मैं पप्पू कुमार राय, वार्ड अध्यक्ष, 8 नंबर। धन्यवाद। नीतीश कुमार के राज्य में अभी तक क्या क्या कार्य हुआ? नीतीश जी के कार्यों की अगर आप समीक्षा करते हैं तो आप हमको ये बताइए कि अगले बार एक गाना चला था बिहार में बाहर हो और नीतीशे कुमार हो, तो कितने गाना हम गिनवाए आपको, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में आगे, हर एक जगह आपका स्कूल, अब कितना काम करके देंगे हमारे नीतीश जी, आप हमको बताइए। क्या लगता है इस बार आपको चुनाव को लेकर के? क्या लगता है? एनडीए गठबंधन 400 के पार जाएगा, कहीं कोई नहीं है इस भ्रम में आप मत रहिए, अब की बार 400 के पार, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, माननीय सांसद गुलाब चंद्र गोस्वामी जिंदाबाद। परिचय दें सर। मैं विनोद सिंह, जिला उपाध्यक्ष, जदयू कटिहार। बैठक होगी? देखिए आज कटिहार में लोकसभा के उम्मीदवार माननीय गुलाल चंद गोस्वामी जी, जो हमारे सांसद हैं, आज एनडीए की बैठक हुई जिसमें तमाम एनडीए के घटक दल शामिल होकर 4 तारीख को नॉमिनेशन का जो दिन रखा गया है माननीय सांसद गुलाल चंद गोस्वामी हमारे प्रत्याशी का, उनके लिए यह आयोजन रखा गया ताकि 4 तारीख को इस कटिहार शहर में ये ज़रूर महसूस हो जाएगा कि कटिहार शहर 4 तारीख को 100% जाम हो जाएगा और माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आपको लोजपा, हम
के समर्थकों द्वारा कटिहार शहर से एक भव्य आशीर्वाद रैली माननीय हमारे प्रत्याशी गुलाल चंद गोस्वामी जी के लिए निकाला जाएगा। आप तमाम कटिहार वासियों से अनुरोध है, आप उसमें सादर आमंत्रित हैं और उपस्थिति देकर हमारे माननीय गुलाल चंद गोस्वामी जी को भारी मतों से जिताने का परचम लड़ाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को एवं बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करें और संकल्प। नीतीश कुमार जी के राज्य में अभी तक बिहार में क्या क्या कार्य हुआ है? काउंटिंग तो नहीं करा सकते हैं, बट ये है कि जब से वो सरकार में आए 2005 में आए तो जिस चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं थे उन्होंने वो कर दिखाया। सबसे पहले क्राइम, पहले आदमी डरता था सड़क पर निकलने पर, औरतें डरती थी, उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया, टाइगर मोबाइल सब चीज़ बना दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उसके बाद गली गली में सड़क, आज गांव जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मतलब गांव आए हैं, लगता है कि डेवलप पूरा है। तो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं उनके बारे में बताना तो उतना बता नहीं सकते, बट ये है कि वो जब तक रहेंगे तो हम जो युवा हैं सब दिन उनका समर्थन करेंगे और आने वाले जनरेशन को भी उन्हें सिखाएंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम सावन सिन्हा, मैं शिक्षक हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, जदयू के वार्ड अध्यक्ष, जदयू के वार्ड अध्यक्ष हूँ, वार्ड संख्या 8 की गई है।